इन सारे रिफॉर्म्स ने सरकार के गैर जरूरी दखल को खत्म किया है। सिस्टम में जब ये ट्रांसपेरेंसी आती है तो नतीजे भी हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। आज भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज 50 से ज्यादा हमारे भारतीय यूनिकॉर्न खड़े हो चुके हैं। हमारे IITs आज चौथे सबसे बड़े यूनिकॉर्न प्रोड्यूसर बनकर उभरे हैं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के इस अभियान में आप सभी को, देश की हर संस्था को सहभागी बनना है, ओनरशिप लेनी है, को ट्रैवलर के रूप में चलना ही चलना है। हमारी हर संवैधानिक संस्था के लिए ये अमृत काल का एक संकल्प 2047 में जब हिंदुस्तान शताब्दी मनाएगा तब देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की ताकत के रूप में काम आएगा। साथियों, दशकों तक हमारे देश में CAG की पहचान सरकारी फाइलों और वही खातों के बीच माथापच्ची करने वाली संस्था के तौर पर रही है। CAG से जुड़े लोगों की यही इमेज बन गई थी और इसका जिक्र मैंने 2019 में भी जब आपके बीच में आया था मैंने उल्लेख किया था। मुझे खुशी है कि आप तेजी के साथ परिवर्तन ला रहे हैं, प्रक्रियाओं को आधुनिक बना रहे हैं। आज आप एडवांस एनालिटिक टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जियोस्पेशियल डेटा और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनोवेशन हमारे संसाधनों भी उसमें भी होना चाहिए और हमारी कार्यशैली में भी होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि आपने प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स को फील्ड ऑडिट से पहले ही डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना शुरू किया है। ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है। जब आप इन प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स को अपनी फील्ड स्टडी के साथ कंबाइन करेंगे तब इसके परिणाम और भी अच्छे निकलेंगे। इसी तरह मैंने आपको सुझाव दिया था कि आप ऑफिस से बाहर निकलकर ऑडिटर्स और स्टेक होल्डर से मिले। आपने इस सुझाव को स्वीकार किया है। पिछले साल फरवरी में CAG के सीनियर ऑफिसर्स और मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने एक सेमिनार भी किया था। मैं इन प्रयासों की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला सेमिनार तक ही नहीं रुकेगा। ये CAG और विभागों के बीच पार्टनरशिप में प्रोग्रेस करने का माध्यम बनेगा। जब मैं सुनता हूं कि ग्राम पंचायत की महिला प्रधान को आपने इस प्रक्रिया में शामिल किया है तो हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि आज हमारी संस्थाएं इस तरह के ओपन एनवायरनमेंट में जमीन से जुड़कर काम कर रही है। ये इवोल्यूशन, ये अनुभव CAG को और उसके साथ साथ हमारी ऑडिटिंग मैकेनिज्म को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। जितनी स्ट्रांग और जितनी साइंटिफिक हमारी ऑडिटिंग होगी उतनी ही हमारी व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट
और मजबूत होगी। साथियों, कोरोना के मुश्किल समय में भी सीएजी ने कितनी तन्मयता के साथ काम किया, इसकी जानकारी मुझे मिलती रही है।